एटा जिले के निधौली थाने में पुलिस हिरासत में एक अधेड़ की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके बाद वो थाने में अचानक बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद पीड़ित को निधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान अधेड़ को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। देवेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो? दलसापुर। पिताजी का नाम क्या है? मुन्नालाल। कौन है आपके? भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। क्या घटना क्या हुई है? घटना झगड़ा हो गया था दुकान पर थोड़ा। हाँ। उसके मैटर में हमको 112 नंबर उठा लाया था। ठीक है, तो इनकी कहाँ पर मौत हुई है? थाने में। थाने में। कब पकड़े गए थे? कल। कल पकड़े गए। झगड़ा कैसे हुआ था? गाँव के लोगों से? हाँ, गाँव के लोगों से। इसका तो कोई रोल ही नहीं था भाई का। मौत कैसे हुई? क्या परेशानी हुई कुछ? या परेशानी ये हुई थी सर, गर्मी की वजह से मौत हुई थी। ये मान लो कुछ खाना भी नहीं खाया था हमने। पंखा का नहीं लगे थे? पंखा लगा था, थोड़ी देर में लाइट चली गई। लाइट चलने के बाद 10 मिनट बाद ही गर्मी उठी। एक संग गर्मी उठी, एक संग जा पड़ेंगे पछाड़ खा के। ये कल दलशाहपुर गांव जो थाना निधौली से 10-12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हुसैन अली और देवेंद्र के बीच, जो कि दोनों मित्र हैं, 5000 रुपये का लेन देन था। देवेंद्र ने 5000 रुपया उससे मांगा, उस पर उन्होंने उसको एक भूसा मार दिया था। इसकी सूचना देवेंद्र ने PRB को बताया था, तो 9:36 पर PRB वहाँ पर पहुँची थी। इसके बाद वहाँ से ले आ करके लगभग 10:30 के आसपास थाने में देवेंद्र, हुसैन और एक अन्य गवाह जो कि राकेश नाम था, गवाह के तौर पे कि इनके सामने घटना हुई है और ये पूरी बात बताएंगे क्या फैक्ट है। और देवेंद्र का कहना है कि थाने पे हम लोगों को खाना नहीं दिया गया था और इस लापरवाही में संभवतः गर्मी के कारण ये वाकया हुआ हो, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी और कांस्टेबल क्लर्क जो ड्यूटी पे था उसको निलंबित किया जा रहा है, और भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंद कुमार, पुलिस हिरासत में एक अधेड़ की तबियत खराब हो गई, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद एटा के निधौली कला थाना क्षेत्र का है। घटना जो है कल की बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस के PRB को ये सूचना दी गई थी कि दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसकी सूचना पर PRB पहुंची थी और जिन जिन लोगों के बीच ये विवाद हुआ था दोनों पक्षों को जो है थाने पर लाया गया था। सुबह जो है अचानक से राकेश की तबीयत बिगड़ गई, उसको जो है नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई है। जी जी नंद कुमार, क्या वजह सामने आई जान जाने की? देखिए, अभी तक जो है चिकित्सकों ने ये स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि जो है डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो पाएगा उसकी मौत की वजह क्या है। हालांकि जो उसके साथी जो देवेंद्र थे, जो उसके साथ निधौली कला थाने में देर रात्रि बंद रहे, उनका ये कहना था कि सुबह उसकी हालत एकदम से बिगड़ी और चक्कर खा के वो थाने पे गिर गया। आनंद फानन में जो है थाना पुलिस ने उसको जो है नजदीकी अस्पताल निधौली कला जो CSC सेंटर वहां पे भर्ती कराया, जिसके बाद से उसको जो है जिला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जी जी नंद कुमार, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।